हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे बेनिफिट्स की, जिनको सुनने के बाद आप द्वारका मोड़ या उसके नियर बाय की लोकेशन पर फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी खरीदना जरूर चाहेंगे। ओके, तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि टाइम टाइम पर मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो द्वारका मोड़ एक ऐसी लोकेशन है जहां पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या कोई फ्लैट परचेज कर लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में, या यूं कह लीजिए आज से बिल्कुल अभी से ही, कुछ ऐसी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स लाइफ टाइम तक मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ 5 बेनिफिट्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या वीडियो में आपको पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। अगर वीडियो से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। तो चलिए आज के 5 बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं जो आपको द्वारका मोड़ की लोकेशन पर मिल सकते हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई फ्लैट यहां पर परचेज करते हैं। तो सबसे बड़ी फैसिलिटी है कॉस्ट इफेक्टिव। दिल्ली में किसी भी लोकेशन पर आप फ्लैट परचेज कर लीजिए, प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए। अगर फ्लैट की मैं बात करूं तो 2 BHK अराउंड आपको 70 lakhs और 3 BHK आपको 1 crore तक मिलता है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्राइजेज हैं जो आप दिल्ली की अदर लोकेशंस पर आपको मिलते हैं, लेकिन द्वारका मोड़ की एक लोकेशन जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 2 BHK फ्लैट आपको मात्र 25 से 30 लाख और 3 BHK फ्लैट आपको 35 से 50 लाख तक आपको 3 BHK फ्लैट मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी बड़ी फैसिलिटी है वो है मेट्रो कनेक्टिविटी। द्वारका मोड़ की लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से आप मेट्रो का रूट कहीं के लिए भी ले सकते हैं। आपको डायरेक्ट नोएडा की मेट्रो मिल जाएगी, आपको एयरपोर्ट की मेट्रो मिल जाएगी, या कहीं अदर लोकेशन पर जाना है तो आपको वहां से भी मेट्रो मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तीसरा है अमेनिटीज़ को लेकर। तो जो फ्लैट या प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, अब लोग कहते हैं कि जहां पर हम, जिस लोकेशन पर हम रहे वहां से सब कुछ नियर बाय ही हो, जैसे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल। तो मैं आपको बता दूं, विद इन 2 or 3 kilometers के अराउंड में आपको स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और बैंक, ATM, ये सब आपको आपके बिल्कुल नियर बाय ही मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इस लोकेशन की। जो चौथी एडवांटेज है वो आपके लिए एक वरदान सिद्ध होगी, वो है लोन की। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अभी आपके पास इतना बजट नहीं है, आप सिर्फ प्लान कर रहे हैं, तो होम लोन की तरफ भी आप जा सकते हैं। 90% to 100% तक का भी लोन आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 5th और last one, हमारी जो फैसिलिटी है वो है एयरपोर्ट की फैसिलिटी। द्वारका मोड़ की लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से विद इन 30 minutes आप एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ही नियर बाय आपके एयरपोर्ट भी पड़ता है। तो गाइस, अगर आप कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई फ्लैट परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो गाइस इस साइट को, इस लोकेशन को एक बार देख लेना। आपको यहां पर हर तरीके की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। और वीडियो से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट बना दूंगा। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरी वीडियोस देखने के लिए गाइस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए।